हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट के वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, मैंने टिक भी किया था। आज हम इसके आगे सारा इसका जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है हम यहाँ तक पढ़ लेंगे, उसके बाद जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमने अकबर तक पढ़ लिया था, अकबर का कुछ रहता था तो हमने ये बुक्स पढ़ ली थी। तो अकबर के टाइम में मैनुस्क्रिप्ट जो है, मतलब बुक जो है वो इलस्ट्रेशन उनकी जो बनाई गई थी, मतलब उस बुक में पेंटिंग के साथ साथ जो मुगल्स एम्परर थे उनके बारे में भी लिखा गया था। एंड यहाँ पर भी महाभारत और रामायण की पेंटिंग बनी थी, क्योंकि कई मुगल ऐसे थे जिनको हिंदू आर्ट का जो थीम था वो अच्छा लगता था, उनका जो सब्जेक्ट मैटर था वो अच्छा लगता था। इसीलिए यहाँ पर भी देखो महाभारत ये चीज़ बनी है, रामायण भी बनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो जिसको ट्रांसलेट इन पर्शियन एंड पेंटेड, पर्शियन में इसको कह देते कि पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया एंड इनको पेंट भी किया। तो यहाँ पे सारे बुक के नेम हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे। तो आज हम, मैंने यहाँ तक टिक किया था तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एन ए अकबरी ऑफ अबू फैज़ल, अबू फैज़ल जो है ये एक आर्टिस्ट था अकबर का, तो उसने बुक लिखी थी जिसका नेम था एन ए अकबरी। ओके, अकॉर्डिंग टू द एन ए अकबरी ऑफ अबू फैज़ल ड्यूरिंग दैट पीरियड अबाउट 1400 इवेंट हैड बीन पेंटेड आउट ऑफ विच फ्यू आर अवेलेबल नाउ। तो यहाँ पे जो अबू फैज़ल की एन ए अकबरी जो ये बुक थी ना, तो उस टाइम में ये पेंट की गई थी, तो उसमें 1400 इवेंट जो है वो पेंट किए थे, बट आज के टाइम में उसमें से बस कुछ ही अवेलेबल हैं। अकबर हैड स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन दीन ए इलाही द एम ऑफ विच वॉज टू कॉम्प्रोमाइज और सुले कुली। तो अकबर ने ना एक धर्म जो है स्टार्ट किया था जिसका नेम था दीन ए इलाही, ये एक धर्म उसने चलाया था, मतलब कि जिसका एम था कि सब कॉम्प्रोमाइज़ करें आपस में। ये जो सुले कुली है ना, ये एक अरेबिक टर्म है जिसका लिटरेली मीनिंग जो है वो है पीस विद ऑल। ठीक है, तो इसका जो मेन एम था वो था कॉम्प्रोमाइज़ करना। ये अकबर ने स्टार्ट कराया था न्यू धर्म। ही बिकम वेरी पॉपुलर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम बिकॉज ऑफ हिज ग्रेटनेस एंड लिबरलिटी। तो वो अकबर जो था वो काफ़ी कम टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था विद हिज ग्रेटनेस एंड लिबरलिटी। द लिस्ट ऑफ पेंटर इन अकबर्स कोर्ट, तो यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट के बारे में बताया हुआ है जो कि अकबर के कोर्ट में काम करते थे, ये काफ़ी फेमस आर्टिस्ट थे। तो यहाँ पे फर्स्ट है वो है मीर सैयद अली, जो कि पर्शियन आर्टिस्ट था, इसको हुमायूं ही लेके आया था, मतलब ये जो है पर्शियन आर्टिस्ट काबुल से आए थे, मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी था। तब्रेज ये ईरान में एक प्लेस है, उसका नेम है। मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद ये भी इसी के साथ था। शिराज ये भी ईरान में स्पेस है, मतलब प्लेस है, जगह है, उसका नेम है। बीजड ये काफ़ी फेमस आर्टिस्ट था, ये भी पर्शियन आर्टिस्ट था। भाग, मिस्किन, बसावन, मनोहर, दौलत, मंसूर, केसु, लाल, शंकर गोवर्धन एंड इनायत, दशवंत, ये सारे जो है अकबर के कोर्ट में काम करते थे। मुकुंद जगन्नाथ, तो ये टोटल 15 आर्टिस्ट है जो अकबर के कोर्ट में काम करते थे। जहांगीर सन ऑफ अकबर वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड नेचर। जहांगीर जो कि अकबर का ही बेटा था, तो उसको ये जो था ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड नेचर, इसको आर्ट भी अच्छी लगती थी एंड नेचर जो है वो भी इसको अच्छी लगती थी। द मुगल मिनिएचर रीच्ड अ वेरी हाई लेवल ऑफ एक्सलेंस इन हिज पीरियड। तो इसके टाइम में जो मुगल मिनिएचर पेंटिंग थी वो काफ़ी ऊपर चली गई थी, मतलब काफ़ी उसका जो लेवल था, उसका जो स्टैंडर्ड था वो काफ़ी ऊपर चला गया था। ही एनकरेज हिज पेंटर, वो उसने अपने पेंटर्स को भी एनकरेज किया। एज अ रिजल्ट अ नंबर ऑफ पेंटिंग वर पेंटेड ऑफ बर्ड्स, फ्लावर्स एंड एनिमल इन हिज टाइम। तो जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि उस बहुत सारी पेंटिंग्स जो है वो बर्ड्स, फ्लावर्स एंड एनिमल्स पे उस टाइम पे बनाई गई, क्योंकि अगर हम आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करेंगे तो वो खुश होकर काम भी अच्छा करता है एंड काम जल्दी जल्दी भी करता है। पोर्ट्रेट पेंटिंग बिकम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग हिज टाइम एंड अटेंड हाइट्स ऑफ रिफाइनमेंट।
तो इसके टाइम में जो पोर्ट्रेट की पेंटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी एंड काफ़ी ऊंचाइयों तक वो पहुंच चुकी थी। वी इवन फाइंड सम पोर्ट्रेट ऑफ लेडीज इलस्ट्रेटर इन हिज टाइम। इसके टाइम में कुछ फीमेल के पोर्ट्रेट वो पोर्ट्रेट भी जो है वो इलस्ट्रेट किए गए, मतलब कुछ फीमेल के पोर्ट्रेट भी हैं जो इसमें बनाए गए, क्योंकि उस वैसे तो उस टाइम में फ़ीमेल को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी एंड जो फीमेल थी वो बुरके में ही ज़्यादा रहती थी। अभी भी कहीं हैं जो रहती हैं, देखो उस टाइम पे फीमेल के भी पोर्ट्रेट बनवाए थे जहांगीर ने। फेमस पेंटर ऑफ जहांगीर टाइम आर उस्ताद मंसूर, ये बर्ड्स पेंटर था, इसने ज़्यादा बर्ड्स की पेंटिंग बनाई, ये याद रखना है आपने। अबुल हसन एनिमल पेंटर एंड पोर्ट्रेट पेंटर, इसने एनिमल की पेंटिंग बनाई और पोर्ट्रेट पेंटिंग भी बनाई। विचित्रा सिंबॉलिक पेंटर, ये जो विचित्रा है इसने सिंबॉलिक पेंटिंग मतलब कि जैसे धर्म पे गॉड और गोडेस पे जो है पेंटिंग बनवाई थी। भीषण दास, ये भी पोर्ट्रेट पेंटर था। बालचंद, मुखलिस, दौलत, रिजा, भीम, इनायत, तो यहाँ पे 10 पेंटर्स के नेम है जो आपने याद करने हैं रट्टे मार के। ओके, अंडर जहांगीर पैटर्नेज पेंटिंग एक्वायर्ड ग्रेटर चार्म, रिफाइनमेंट एंड डिग्निटी। जहांगीर के टाइम पीरियड में पेंटिंग ने ग्रेट चार्म, रिफाइनमेंट एंड डिग्निटी प्राप्त कर ली थी, मतलब उसकी पेंटिंग जो है, मतलब इस जहांगीर के टाइम में जो पेंटिंग बनी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, है ना। तो ही हैड ग्रेट फैसिनेशन फॉर नेचर एंड टुक डिलाइट इन द पोर्ट्रेट ऑफ बर्ड्स, एनिमल एंड फ्लावर्स। जहांगीर को ना उसे नेचर से काफ़ी लगाव था, जिस वजह से उसके टाइम में बहुत सारी एनिमल बर्ड्स के पोर्ट्रेट बने और फ्लावर के भी पेंटिंग्स जो है वो बनाई गई, मतलब उसके टाइम में नेचर की जो पेंटिंग है बहुत ज़्यादा बनाई गई। एनिमल एंड बर्ड की पेंटिंग जो है जहांगीर के टाइम से ही स्टार्ट हुई। द आंसर है सुनहली इज अनदर फैबल बुक इन विच शॉर्ट स्टोरी कन्वे मोरल लेसन। आंसर है सुनहली एक बुक है, मतलब कि अनदर फैबल बुक है जिसमें शॉर्ट स्टोरी दी गई है मोरल लेसन को कन्वे करने के लिए। द पोर्ट्रेट ऑफ जहांगीर इलस्ट्रेटेड इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मिनिएचर एग्जीक्यूटिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर। जहांगीर का जो पोर्ट्रेट बना था ना, आपको साइड में दिख रहा है ना, ये उस टाइम का पोर्ट्रेट था, तो ये जो है ये जहांगीर के पीरियड की जो मिनिएचर पेंटिंग थी उसकी ये टिपिकल एग्जाम्पल है। ओके, दिस मिनिएचर इज़ इन द कलेक्शन ऑफ द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो ये जो मिनिएचर है इसकी जो कलेक्शन है, मतलब इस टाइम ये पोर्ट्रेट कहाँ पे पड़ा हुआ है, आपको यहाँ पे कलेक्शन दिख रही है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। हमने राजस्थान और पहाड़ी पढ़ा है, सभी पेंटिंग की कलेक्शन हमको वहीं देखने को मिलती है। आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर शाहजहाँ बिकम द एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1628। जहांगीर की डेथ के बाद उसका बेटा शाहजहाँ जो था वो मुग़ल का एम्परर राजा बन गया था मुग़ल एम्पायर का इन 1628 में। बट ही डिड नॉट पैटर्नाइज पेंटिंग लाइक हिज फादर, बट उसने अपने फादर की तरह पेंटिंग जो है वो नहीं बनवाई थी। क्यों? क्योंकि ही वॉज अ लवर ऑफ आर्किटेक्चर, उसको आर्किटेक्चर से प्यार था, वो पेंटिंग को इतना पसंद नहीं करता था। ही गॉट सो मैनी फोर्ट्स, पैलेसेस एंड मॉस्क्स कंस्ट्रक्टेड, उसने बहुत सारे पैलेस, मस्जिद, किले, ये चीज़ें जो हैं कंस्ट्रक्टेड मतलब बनवाई थी। द ताजमहल, रेड फोर्ट ऑफ आगरा एग्जैक्ट्रा, ताजमहल और रेड फोर्ट जो है ये इसी की एग्जाम्पल है जो शाहजहाँ ने बनवाई थी। जामा मस्जिद भी शाहजहाँ ने बनाई थी। द आर्ट ऑफ पेंटिंग वेंट ऑन इन जहांगीर स्टाइल इन शाहजहाँ टाइम ऑल्सो। जो इसके शाहजहाँ के टाइम में भी जो पेंटिंग है वो चल रही थी, जहांगीर के टाइम में चल रही थी ना जो स्टाइल था, तो थोड़ी बहुत ही पेंटिंग इसके टाइम में चल रही थी। द आर्ट ऑफ पेंटिंग सा डाउनफॉल इन द टाइम ऑफ शाहजहाँ बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशन एंड हैकनेस स्टाइल। तो जहाँ इसके टाइम में जो पेंटिंग थी ना वो डाउनफॉल मतलब नीचे गिरती जा रही थी शाहजहाँ के टाइम में, क्योंकि जो स्टाइल था ना वो पुराना हो चुका था, तो ट्रेडिशनल एंड हैकनेट स्टाइल की वजह से जो इसका पेंटिंग था, जो इनकी पेंटिंग थी वो नीचे गिरती जा रही थी, मतलब एक तरह से इसके टाइम में पेंटिंग जो है वो बंद हो गई थी। उसके बाद आता है औरंगजेब।
औरंगजेब केम एज अ फैनेटिक मुस्लिम रूलर, ये जो था कट्टर मुस्लिम था एंड ये काफ़ी नफरत करने वाला था पेंटर्स एंड म्यूजिक को। ही वॉज़ अ बिटर एनिमी ऑफ पेंटिंग एंड म्यूजिक, पेंटिंग और म्यूजिक का ये बिटर एनिमी था। मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट वेंट टू हिल्स वेयर दे गॉट शेल्टर एंड आफ्टर रीचिंग देयर दे इन्वेंटेड अ रेयर न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग विच इज़ नाउन एज पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसके टाइम में मोस्ट ऑफ द जो आर्टिस्ट थे वो हिल की तरफ, मतलब पहाड़ों की तरफ जो है वो भाग गए थे और वहीं पे उन्होंने शेल्टर ली, मतलब शरण ली पहाड़ों में। वहीं पे उन्होंने अपनी सारी लाइफ जो है स्पेंड की थी और वहीं पे इन्होंने न्यू स्टाइल के जो भी है न्यू स्टाइल के जो भी एक्सपेरिमेंट है वो किए थे एंड फिर वो पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट जो हमने पीछे पढ़ा था उसके नेम से फेमस हो गए। इन दिस वे द मुगल पेंटिंग साइट्स एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। तो इसी तरह से जो मुगल पेंटिंग थी वो औरंगजेब के टाइम में ख़त्म हो गई थी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बहादुर शाह के टाइम में देर वॉज अ रिवाइवल ऑफ मुगल पेंटिंग आफ्टर द नेगलेक्ट शोन बाय औरंगजेब। तो बहादुर शाह के टाइम में क्या था कि जो औरंगजेब द्वारा दिखाई गई जो नफरत थी ना पेंटिंग के बारे में, उसके बाद जो मुग़ल पेंटिंग का रिवाइवल हुआ, मतलब पेंटिंग जो है वो दोबारा शुरू हुई। रिवाइवल ये हम बंगाल स्कूल में पढ़ेंगे, रिवाइवल होता है कि जैसे एक चीज़ जो ख़त्म होती है ना, मतलब उसको हम दोबारा शुरू करते हैं तो उसको रिवाइवल बोलते हैं, रिवाइवलिस्ट या फिर रेनेसा बोलते हैं। द स्टाइल शोड एन इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, तो जो स्टाइल था उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखी गई थी, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट जो है आने लगी थी। अब जैसे जैसे आर्ट करते रहते हैं तो इम्प्रूवमेंट तो आई जाती है। आफ्टर 1712 AD द मुगल पेंटिंग अगेन स्टार्टेड डिटोरेटिंग अंडर द लेटर मुगल्स। 1712 में क्या हुआ था, जो मुगल पेंटिंग थी वो दोबारा से बर्बाद होने लगी जो बाद के मुगल आए उनके साथ। दो रिटेनिंग द आउटर फ्रॉम इट बिकम लाइफलेस एंड लॉस द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ अर्लियर मुगल आर्ट। जो पेंटिंग की आउटसाइड थी ना, जो उसकी आउटर फॉर्म थी पेंटिंग की, वो लाइफलेस होती गई एंड जो उसका जो उसकी क्वालिटी थी वो भी मतलब कि ख़राब होती गई बाद में, जो क्योंकि बाद में मुग़ल जो थे वो इतने ज़्यादा बड़े मुग़ल नहीं थे, छोटे मोटे मुग़ल थे इसलिए वो इतने फेमस नहीं हुए। फाइनली द ग्लोरियस पीरियड ऑफ मुग़ल मिनिएचर आर्ट केम टू एन एंड इन द अर्ली 18th सेंचुरी। अर्ली 18th सेंचुरी में जो मुग़ल की मिनिएचर पेंटिंग थी वो ख़त्म हो गई थी। So we can say that Mughal art originated with Mughals, developed with Mughal and ended with Mughal rule in India. तो हम ये कह सकते हैं कि मुग़ल पेंटिंग जो है मुग़ल से स्टार्ट हुई, मुग़ल से डेवलप हुई और मुग़ल के साथ ही इंडिया में जो ये मुग़ल पेंटिंग थी वहीं ख़त्म हो गई। तो ये हो गया हमारा मुग़ल स्कूल। एक यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है, जैसे पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, जब अकबर आया तो अकबर का जो टाइम पीरियड है वो 1556 से 1605 तक है। इसका जो टाइम पीरियड रहा है मुग़ल स्कूल में वो गोल्डन पीरियड ऑफ मुग़ल आर्ट रहा है, क्योंकि इसने आर्ट को है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया था, क्योंकि इसके टाइम में आर्ट बहुत ज़्यादा होती थी। उसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर का जो टाइम पीरियड था वो 1605 टू 1627 तक था। इसका जो टाइम पीरियड, इसका जो मुग़ल आर्ट था वो पीक मुग़ल आर्ट था। शाहजहाँ इसके बाद आता है इसका बेटा, जिसका टाइम पीरियड है 1628 टू 1658, इतने टाइम तक इसने राज किया। उसके बाद औरंगजेब और बहादुर शाह जफर आता है। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1658 टू 1712 तक, डिक्लाइन ऑफ मुग़ल आर्ट, मतलब मुग़ल आर्ट का जो है ख़त्म हो गया था। तो ये हो गया हमारा मुग़ल स्कूल। तो इसके बाद शुरू हो जाते हैं हमारे करेक्टरिस्टिक्स एंड उसके बाद पेंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। वैसे तो ये टॉपिक ईजी था, इसमें बस मुग़ल के बारे में ही बताना था, लाइक हिस्ट्री की तरह ये टॉपिक है। तो आपको मैंने एक पहले वीडियो बताई थी जिसमें मैंने सारे मुग़ल एम्परर के बारे में बताया था, तो इसमें भी बस वैसे ही है। बस इसमें ये है कि यहाँ पे थोड़े आर्टिस्ट के नेम ये चीज़ें बताई हुई हैं एंड आपको फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।